हे गाइस, वेलकम टू सक एजुकेशन। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट और फैक्टर। तो गाइस, मैं पहले आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई एंड ए इंटू बी इंटू सी एंड प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। और अब गाइस, मैं समझा देता हूँ आपको, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में नंबर्स, जैसे 5 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, तो ये सब होते हैं कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा ना कि इफ एक्स इज इक्वल टू 5, फाइंड 5x, तो आप करते हैं 5 × 5 कर देंगे, उससे एक्स की वैल्यू 5 है। तो उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा नहीं होता है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 5 देन फाइंड 5x, और तो इसको आप मतलब कि एक्स की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मतलब उस क्वेश्चन में 5 दिया है तो वहां पे 5 ही होगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हैं। एक्स को 6 भी लिख सकते हैं आप, कि जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया, पहला क्वेश्चन ये था कि इफ एक्स इज इक्वल टू 5 फाइंड 5x, अब मैंने लिख दिया इफ एक्स इज इक्वल टू 6 देन फाइंड 5x, तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो गई ना। तो यही होता है। और ऐसे आप इसको तो नहीं कर सकते ना कि इफ 5 इज इक्वल टू 5 देन फाइंड 5 × 5, और दूसरे में लिख दे कि इफ 5 इज इक्वल टू 6, तो ऐसे तो लिख सकते नहीं ना। 5 को हम लोग 6 तो लिख सकते हैं नहीं, तो 5 तो 5 ही रहेगा, इसीलिए कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं। अब मैं बताता हूँ आपको टर्म क्या होता है। जैसे ये सिंगली लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म है, ये वन टर्म है, मीन्स कि इसमें एक ही टर्म है। और मान लीजिए ये 3 है, लेकिन ये आप सोचेंगे कि ये 3 टर्म है, नहीं, इसे हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी, तो ये हो गया ना वन टर्म। और एक्स प्लस वाई, इसमें 2 टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, हाँ, कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो ये 2 टर्म है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए आपको ये देखिए, जब वो प्लस साइन से होता है तो उनको हम लोग ऐड तो कर लेंगे, लेकिन ये होते हैं 2 टर्म्स, अगर वो सेपरेटेड है प्लस या माइनस साइन से। अब मान लीजिए अब ये इनटू के साइन से या डिवीजन के साइन से सेपरेटेड है, तो इसको आप एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये हो गया वन टर्म, ये आपको ऊपर से लग रहा था 2 टर्म है, लेकिन ये है वन टर्म। अब एक्स डिवाइडेड बाई वाई करते हैं, तो अभी ये भी वन टर्म है, क्योंकि हम इसको एक्स वाई लिख सकते हैं, तो ये वन टर्म हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाली वीडियो में, मैंने बताया था कि ए इंटू बी इंटू सी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन। तो गाइस, मैं एक बात बता दूं कि टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी मैंने बताया है, तो उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाली वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि ए बी ये सब सिंगली जो लिखे रहते हैं ऐसे, या फिर ए बी सी, ये सब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मैंने बताया था, डू यू रिमेम्बर? तो ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो ए इंटू बी इंटू सी, मैंने बताया था कि ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैंने वो गलत नहीं बताया था, क्योंकि कई लोगों को लग रहा हो कि ये आपने तो बोला कि प्लस साइन से या माइनस साइन से सेपरेटेड होता है, लेकिन ये तो इंटू के साइन से सेपरेटेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। ए इंटू ए बी सी बन गया ना, ये ए इंटू बी इंटू सी कर देंगे तो ये ए बी सी बन जाएगा, तो ये भी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। समझ रहे होंगे बात आप, होपफुली समझ में आ गई होगी आपको बात, कि वो गलती नहीं थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी लोग, कई लोगों को। तो ए इंटू बी इंटू सी है जो, वो भी ए बी सी उसको लिखा जा सकता है, इसलिए वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब चलते टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं 5 टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें वन टर्म हो। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल क्या होता है? उसमें जिसमें 3 टर्म हो। और मल्टीनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म हो और उससे ज्यादा, मतलब हैज मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म भी नहीं, मतलब कि उसमें 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं और 3 से ज्यादा वालों को मल्टीनोमियल कहते हैं। पॉलीनोमियल में क्या होता है? विच
हैज टू टर्म्स, विच हैज टू टर्म्स और मोर देन टू टर्म्स, मतलब अगर कि एक्स प्लस वाई लिखा है तो ये भी, ये बाइनोमियल भी है पॉलीनोमियल भी है। तो गाइस यही था टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है कि मैंने अपनी पिछली मतलब प्रोडक्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे मैंने बताया सिर्फ इनटू वाले एग्जांपल लिए थे, ध्यान दीजिएगा सिर्फ इनटू वाले एग्जांपल लिए थे मैंने, 5 × 5 इज इक्वल टू 25, 25 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 × 5। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमेशा, मैंने ये अपनी वीडियो में मतलब ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बताया था कि वो सिर्फ इनटू जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है, तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका आंसर आता है उससे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और फैक्टर क्या होता है कि ये प्रोडक्ट है तो इसको बनाने में, इसको आंसर निकालने में जितने भी कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स उसमें मिले हुए हैं उसे हम प्रोडक्ट फैक्टर कहते हैं। 5 × 5, 5 × 5 आर द फैक्टर इन 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो ये होता है आपका क्विक रिवीजन। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। और गाइस मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं आजकल रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एग्जाम्स की वजह से। तो एग्जाम्स तो मेरे खत्म हो चुके हैं और कि कुछ भी रीजंस थे इसीलिए मैं थोड़ा सा और लेट हो गया एग्जाम्स के बाद भी। तो गाइज अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, मींस कि एक एक दिन छोड़कर अल्टरनेटिव डेज पर। तो गाइज अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब आपको इसमें बताना है कि ये कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, एक्स 2x एंड 2, 5 एंड 10। अब बताना है आपको इसमें कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है, आप कमेंट्स में बताइएगा। तो कमेंट कर दिया होगा आपने। अब मैं बता देता हूं कि इसमें कौन से कांस्टेंट है और कौन से वेरिएबल है। गाइस ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज ऑलवेज अ वेरिएबल, एंड अ कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड वेरिएबल इज ऑलवेज इज इक्वल टू वेरिएबल। मतलब कि उनके कॉम्बिनेशन में जब आप एक्स प्लस एक्स करेंगे तो उसका मतलब मान लीजिए एक्स इंटू एक्स करेंगे तो उसका आंसर हमेशा वेरिएबल में ही आएगा, वेरिएबल में ही आएगा। तो अब करते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ओनली। तो अब हम बताते हैं इसे, तो इसमें मैं बताता हूँ कौन सा कॉन्स्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। देखिए इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि वेरिएबल में अल्फाबेट्स होते हैं ज्यादातर, तो वेरिएबल ये हो गया। और ये भी वेरिएबल है क्योंकि कॉन्स्टेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल इज ऑलवेज अ वेरिएबल। और अब ये देखिए ये कॉन्स्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट और ये भी कॉन्स्टेंट ही है। तो अब टर्म ले लेते हैं कुछ। टर्म एक्स प्लस वाई एंड एक्स इंटू वाई एंड एक्स डिवाइडेड बाई वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्स प्लस वाई। कमेंट करिए आप इन चारों के आंसर कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा सही है या फिर नहीं, और गलत होंगे तो मैं बताऊंगा। मतलब कि मैं आंसर बता दे रहा हूं तो आप समझ जाएगा कि वो है एक्स प्लस वाई में कितने टर्म्स हैं। दो, यहाँ पे दो टर्म्स है क्योंकि ये सेपरेट मतलब सेपरेटेड है प्लस या माइनस से। ये दो टर्म, ये भी दो, ये वन टर्म है। ठीक है, प्लस और माइनस साइन से अगर सेपरेट होता है तो उसे हम वन टर्म कहते हैं। मान लीजिए एक्स इंटू वाई है या एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई में भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, एक्स इंटू वाई में कितने टर्म्स है। ये दो टर्म्स नहीं है, ये वन टर्म है क्योंकि हम एक्स इंटू वाई को एक्स वाई लिख सकते हैं, हो गया ना वन टर्म। एक्स डिवाइडेड वाई वाई, x अपॉन y लिख सकते हैं इसे हम, ये हो गया वन टर्म। तो गाइस ये होता है इसका लॉजिक, थोड़ी समझने की जरूरत है पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको बताना है कि इसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है। तो मैं बताता हूँ अब आपको इसमें मैं क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस लिख दूं मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, एक्स प्लस वाई एंड ए इंटू बी इंटू सी। अब आपको बताना है कि ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है, तो आप कमेंट करके इन तीनों के आंसर्स बताइएगा। तो अब मैं बता देता हूं, एक्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने अभी आपको फिर से पिछली मतलब शुरुआत में मैंने बताया था इस वीडियो के कि सिंगल ही लिखे वालों को भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मानते हैं, और ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये देखिए मैंने वही एग्जांपल लिया कंफ्यूजिंग वाला। अब मान लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन तो मैंने ये बताई थी कि द कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन। तो ये इंटू कहाँ से आ गया, ये भी है क्योंकि ए इंटू बी इंटू सी करेंगे तो ए बी सी आएगा गाइस, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि एक्स लिखा है वैसे ही ए बी सी भी है, ए बी सी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं 5 टाइप्स के। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा मतलब मोनोमियल है। मैं टाइप्स बता देता हूँ पांचों, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, मल्टीनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो, और पॉलीनोमियल जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा टर्म्स हो। तो एक्स बताना है आपको, एक्स प्लस वाई बताना है आपको, एक्स इंटू वाई बताना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताना है आपको। और हाँ अब आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप कमेंट कर लीजिए फिर मैं आंसर बता देता हूँ। तो अब मैं आंसर बता देता हूँ, एक्स एक्स है आपका मोनोमियल, क्योंकि मोनोमियल में सिर्फ 1 टर्म होता है तो यह है 1 टर्म। अब एक्स प्लस वाई कितने हैं, बाइनोमियल है ये क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, एक्स इंटू वाई। अब बताइए ये आप आपको झटके से लगा होगा कि ये बाइनोमियल है, लेकिन नहीं ये गलत हो जाएगा अगर आपने इसे बाइनोमियल लिखा तो, ये मोनोमियल है क्योंकि हम इसे एक्स इंटू वाई को एक्स वाई लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका ना 1 टर्म, तो ये मोनोमियल हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया ट्राइनोमियल। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीनोमियल में तो जैसे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू, तो ये हो गया मल्टीनोमियल आपका। अब देखिए अब आप बोले होंगे कि ये बाइनोमियल तो है, लेकिन आपने पॉलीनोमियल की भी डेफिनेशन क्या बताई थी कि विच हैज टू और टू मोर देन 2 टर्म्स, तो ये भी है, ये पॉलीनोमियल भी है, ये बाइनोमियल भी है, लेकिन मोनोमियल को हम लोग पॉलीनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि ये 1 टर्म है। मैंने बताया 2 और मोर देन 2, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आपका हो गया पॉलीनोमियल क्योंकि ये ट्राइनोमियल है, और मल्टीनोमियल सारे मल्टीनोमियल्स को भी हम लोग पॉलीनोमियल कह सकते हैं। तो गाइज ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी खत्म। अब मैं बताता हूँ प्रोडक्ट एंड फैक्टर। ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इनटू में निकलता है, ना कि प्लस और माइनस में। तो प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट का एग्जांपल मैं इधर ही ले लेता हूँ। तो मान लीजिए 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। अब बताइए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है, और मैं एक एग्जांपल और ले लीजिए, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, और इसमें बताइए कौन सा प्रोडक्ट है, कमेंट करिएगा आप, मैं टाइम दे देता हूँ आपको। तो ये अब मैं बता देता हूँ, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, ये है आपका प्रोडक्ट। मैंने बताया था ना द फाइनल आंसर विच केम इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स। अब बताता हूँ 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, इसमें भी यही है इसका प्रोडक्ट, जो फाइनल आंसर निकलता है मल्टीप्लीकेशन करने पे उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। और फैक्टर क्या है कि इन इस पूरे एक्सप्रेशन में जिन 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 कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स मिले हुए हैं उनको हम लोग फैक्टर कह देंगे, कि 5 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 5 5 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 5 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 40, ये हम कह सकते हैं। और अब हम 5x एंड 6x ले लेते हैं, तो ये हो गया 5x एंड 6x इज इक्वल टू 30x स्क्वायर। तो इसमें कौन सा, ये आपका फैक्टर, ये आपके फैक्टर हो गए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया।
आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5x एंड 6x आर द फैक्टर ऑफ 30x2। तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा।